एक दुकानदार की बेटी ने जब बिहार बोर्ड में किया टॉप, पिता बेटी का कैसा रहा रिएक्शन? छोटी जगह हो, संसाधनों की कमी हो, फिर भी अगर बड़ी सफलता मिल जाए तो उससे जो खुशी मिलती है उसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। ऐसा ही कुछ हुआ है प्रिया कुमारी के साथ। प्रिया कुमारी ने बिहार बोर्ड की 12वीं के कॉमर्स स्ट्रीम में टॉप किया है। जाहिर है प्रिया और उसके परिवार के लिए ये खुशी का पल है, साथ ही उनसे जुड़े लोग भी खुशियां मना रहे हैं। प्रिया और उसके परिवार के लिए ये पल खास इसलिए भी है कि इस लड़की ने वो कर दिखाया जो एक गरीब परिवार के लिए संभव शायद ही होता है। वजह यह है कि प्रिया पटना शेखपुरा की रहने वाली है और उनके पिता का कारोबार इतना बड़ा नहीं है कि वो बड़े आराम से अपनी बेटी की पढ़ाई के संसाधनों को जुटा सके। लेकिन एक तरफ प्रिया के पिता महेश छपरिया अपनी बेटी के लिए संसाधन जुटाने के लिए अपने छोटे से किराने की दुकान पर दिन रात एक करते रहे, वहीं दूसरी तरफ प्रिया बेटी ने इतनी मेहनत की कि अपने और अपने पिता के सपने को साकार कर डाला। पटना के शेखपुरा के बरबीघा के छोटी संगत मोहल्ले के रहने वाले महेश छपरिया की बेटी प्रिया ने परिवार का मान तो बढ़ाया ही है, एक उदाहरण भी सेट किया है कि परिस्थिति चाहे कैसी भी रहे, मेहनत और लगन से हर बाधा को पार कर सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा जा सकता है। बिहार बोर्ड की 12वीं परीक्षा के कॉमर्स स्ट्रीम में टॉप करने के बाद प्रिया ने बताया कि उनके पिता एक छोटी सी किराना की दुकान चलाते हैं। अपने रिजल्ट के बारे में उन्हें यूट्यूब से जानकारी मिली। यूट्यूब लाइव पर आनंद किशोर ने जब उनका नाम लिया तब उनके हाथों से फोन छूट गया। प्रिया कुमारी बताती हैं कि उनको अपने अच्छे रिजल्ट के बारे में विश्वास तो था ही, क्योंकि उन्होंने पूरे साल जमकर मेहनत की थी, लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि वो बिहार में टॉप कर जाएंगी। प्रिया अपनी इस सफलता को होली गिफ्ट बताते हुए कहती हैं कि होली से पहले ये रिजल्ट उनको पूरी जिंदगी याद रहेगा। जाहिर है अपनी बेटी की इस सफलता पर उनके माता पिता खुशी से फूले नहीं समाए होंगे। प्रिया की माँ ने बताया कि उनकी बेटी ने उनके सपने को साकार कर दिखाया है। साथ ही माँ ने ये भी बताया कि 10वीं की परीक्षा में भी प्रिया ने जिले में टॉप किया था। उसी वक्त प्रिया ने अपनी माँ से कहा था कि अगली बार स्टेट में टॉप करना है। बेटी ने जो कहा वो कर दिखाया। ये सारी बातें कहते वक्त प्रिया की माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रिया की फ्यूचर प्लानिंग क्या है। इस सवाल के जवाब में प्रिया ने बताया कि उनका रुझान बैंकिंग सेक्टर में है, वो अपना करियर बैंकिंग के क्षेत्र में ही बनाएंगी। इधर प्रिया के टॉप कर जाने के बाद उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। वन इंडिया भी प्रिया की इस भारी सफलता पर उनको और उनके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं देता है, साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।